दोस्तों आज तारीख है 25 जनवरी 2023 और आज ही के दिन शाहरुख खान की मूवी पठान ऑफिशियली पूरे इंडिया में रिलीज हो चुकी है। आपको बताता चलूं, पूरे इंडिया में इस वक्त आपको कोई भी ऐसा सिनेमाघर नहीं मिलेगा जहां का शो हाउसफुल ना हो। पठान मूवी ताबड़तोड़ तरीके से एंट्री कर चुकी है। आपको ये बात तो अच्छी तरीके से पता ही होगा कि पठान मूवी को रिलीज होने से पहले कितना ज़्यादा बॉयकॉट किया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि पठान मूवी सनातन धर्म के फैज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है। बार बार विरोध किया गया कि दीपिका पादुकोण ने आखिर केसरी रंग का जो बिकनी है उसको क्यों पहना, लेकिन दोस्तों इन सभी बॉयकॉट का पठान मूवी पर कोई भी असर नहीं दिखा। भारत के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं और आपको बताता चलूँ, पठान मूवी भारत की पहली ऐसी मूवी बन चुकी है जिसने एडवांस बुकिंग में सभी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बताता चलूँ, बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड पठान ने तोड़ दिया है। पूरे के पूरे 661,000 लोगों ने पठान को एडवांस में ही बुक कर लिया था। और दोस्तों आपको बताता चलूँ, अगर बात करूँ विशेषज्ञों की, तो पठान मूवी आज यानी 25 जनवरी 2023 को तकरीबन 50 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की ये पठान मूवी बॉक्स ऑफिस पे तकरीबन 500 या 600 करोड़ का बिजनेस करेगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।